हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं किसी गूंगी और बेरी लड़की की स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली है। मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही ब्रूटल भी है, और मूवी के कुछ सीन रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एंजल नाम की बेरी लड़की से, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में थी। वो अपने मालिक से छुप छुप कर वेंटिलेशन से इस रूम से उस रूम तक जाया करती थी, और एंजल को सिर्फ उसका मालिक विक्टर ही यूज़ करता था, और एंजल बाकी कस्टमर को भी सर्विस नहीं दिया करती थी। वहाँ पर रहने वाली बाकी की प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को साफ करना, कस्टमर के लिए उनको रेडी करना एंजल का यही काम था। विक्टर एंजल को एक चाबी भी देता है ताकि वो नई लड़कियों को उनके रूम में लेकर जाएँ और उन्हें रेडी करें। विक्टर का आदमी ब्रैंको कुछ नई लड़कियों को लेकर आता है, जो कि आगे उनके लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करेगी। सीन कट होता है और अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जब ब्रैंको ऐसे कुछ लड़कियों के साथ में उसको विक्टर के पास में लेकर आया था। विक्टर बाकी लड़कियों को काम पर लगा देता है, लेकिन एंजल को वो अपने लिए रख लेता है, क्योंकि एंजल के फेस पर एक बर्थमार्क था और एक बेरी लड़की थी, तो ऐसी लड़कियाँ कस्टमर को पसंद नहीं आती है। सभी नई लड़कियों को डराने के लिए विक्टर एक नई लड़की का गला काट देता है, ताकि लड़कियों को भी समझ में आ जाए कि वहाँ से भागने पर उनका भी यही हाल होगा। अगेन सीन कट होता है और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एंजल नई लड़कियों के लिए ड्रग रेडी कर रही थी, ताकि वे लोग कस्टमर के टॉर्चर के टाइम होश में रहे। वहाँ पर आने वाले कस्टमर प्रोस्टिट्यूट के साथ में बहुत ही ब्रूटली सेक्स करते थे और उनको मारते पीटते भी थे। एंजल हर लड़की के रूम में जाकर उनको ड्रग देती थी और वो उनका मेकअप भी करती थी। लड़कियाँ एंजल से हेल्प मांग रही थी, लेकिन एंजल तो खुद ही यहाँ पर फंसी हुई थी और वो विक्टर की गुलाम थी। अगेन सीन कट होता है और कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहाँ पर एंजल की माँ मरीसा उसे अलमारी में छुपने को कह रही थी। एंजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। मारिसा एंजल को अलमारी में छुपाकर बाहर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद में दो आर्मी पर्सनल वहाँ पर आते हैं, जो कि एंजल को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ में घर के बाहर लेकर जाते हैं। उस समय कंट्री में वॉर चल रही थी और इसलिए आर्मी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। आर्मी सिविलियन को ही मार रही थी और अपनी फैमिली से अलग कर रही थी। यंग लड़कियों को तो आर्मी प्रोस्टिट्यूट हाउस में बेच देती थी। एंजल की माँ मरीसा ने अपनी बेटियों को आर्मी से बचाना चाहा, तो आर्मी का एक लीडर गोरान ने मरीसा को जान से मार दिया था, और उसके बाद में आर्मी ने एंजल को विक्टर के पास भेज दिया और उसकी बहन अर्जाना को किसी और प्रोस्टिट्यूट हाउस में भेज दिया। प्रेजेंट टाइम में एंजल लड़कियों को खाना दे रही थी और लड़कियां उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन एंजल सभी को इग्नोर कर रही थी। वहीं पर एक लड़की एलेक्सा थी, जो कि खून से लथपथ पड़ी हुई थी, क्योंकि रात को कस्टमर ने उसके साथ में इंटरकोर्स करते टाइम एलेक्सा को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। एंजल एलेक्सा के खून को साफ करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि एलेक्सा बहुत पहले ही मर चुकी है, तो इसलिए ब्रैंको उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंकने के लिए वहाँ से ले जाता है। अब कुछ देर के बाद में विक्टर एंजल को लड़कियों को रेडी करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि कुछ स्पेशल कस्टमर वहाँ पर आने वाले थे। एंजल लड़कियों को ड्रग देकर सुला देती है और विक्टर कस्टमर से पैसा लेकर उसको लड़कियों के पास में भेज देता है। वहीं पर एक लड़की थी वानिया, जो कि एंजल से उसका नाम पूछती है और एंजल उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। वानिया को समझ आ जाता है कि एंजल बहरी है और इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में एंजल को बाय बोलती है। वानिया को देखकर एंजल को अपनी माँ की याद आती है। फिर कस्टमर के जाने के बाद में एंजल लड़कियों को साफ करने लगती है। लड़कियों की हालत देखकर एंजल को वही समय याद आ रहा था जब विक्टर ने उसके साथ में पहली बार बात की थी और विक्टर ने ही उसको एंजल नाम दिया था और लड़कियों को कैसे ड्रग देना है ये भी सिखाया था। अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और एंजल वान्या के पास में जाती है और उससे पूछती है कि उसे साइन लैंग्वेज कैसे पता है। वान्या के फादर भी बहरे थे, तो इसलिए वान्या को साइन लैंग्वेज पता थी, और ये बात सुनकर एंजल को अपने पिता की भी याद आती है, और एंजल के फादर उनको छोड़कर कहीं चले गए थे। अब ब्रैंको को आता देखकर एंजल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वान्या से वापस आने का प्रॉमिस भी करती है। उसके बाद एंजल अपनी बहन अर्जाना को याद करती है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बहन अब कहाँ होगी। फिर एंजल अपने रूम के वेंटिलेशन से होकर वान्या के रूम के वेंटिलेशन से उसके रूम के अंदर घुसती है। वान्या को लगता था कि एंजल इस प्लेस से बाहर भी जा सकती है, लेकिन एंजल उसे बताती है कि ये प्लेस हर जगह से लॉक है। एंजल वान्या को चॉकलेट खाने को देती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें करते हैं, और यहाँ पर एंजल वान्या को ये नहीं बताती है कि उसकी माँ को आर्मी ने बता दिया है और उसकी बहन को और उसको अलग करके अलग अलग प्रोस्टिट्यूट हाउस में डाल दिया है। वान्या को यकीन था कि एक दिन उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी। तभी एंजल को पता चलता है कि ब्रैंको रूम की तरफ आ रहा है, तो इसलिए वो वेंटिलेशन के अंदर घुसकर अपने रूम की तरफ जाती है। ब्रैंको को वेंटिलेशन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब अगले दिन भी एंजल वान्या के लिए चॉकलेट लाती है, और वान्या एंजल को खुद
ड्रग इंजेक्ट करने को देती है ताकि वो टॉर्चर के टाइम होश में ना रहे। फिर कुछ टाइम के बाद एक कस्टमर वान्या के रूम में घुसता है और एंजल वेंटिलेशन के अंदर से वान्या को देखती है। वो कस्टमर बहुत ही ब्रुटल तरीके से वान्या को मारपीट कर उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था, जिससे कि एंजल को अपनी माँ और अपने पिता की याद आती है, क्योंकि वो भी उसकी माँ को बहुत मारा पीटा करते थे। इसलिए एंजल अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। फिर एक टाइम के बाद उसकी माँ ने उसके पिता को घर से जाने को कह दिया था। अगेंस्ट इन प्रेजेंट टाइम आता है जब एंजल वान्या के रूम में जाती है। वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। कस्टमर ने उस पर इतना टॉर्चर किया था कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी बहुत खून निकल रहा था। एंजल को वान्या के लिए रोता देखकर विक्टर डॉक्टर आंड्रे को अंदर बुला लेता है। आंड्रे विक्टर को लड़कियों पर इतना टॉर्चर करने से मना करता है, नहीं तो वो लड़कियाँ कुछ ही दिनों में मर जाएगी। जिसके जवाब में विक्टर आंड्रे को अपना काम करके वहाँ से जाने को कहता है और वो ये भी कहता है कि वो उसके काम में दखल न दें, नहीं तो विक्टर डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म कर देगा। अब रात को एंजल वेंटिलेशन से वान्या के रूम में आकर उसको कम्फर्ट करती है और वो उसे अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ में सोती है। फिर कुछ देर बाद विक्टर सभी लड़कियों के रूम को चेक कर रहा था। एंजल को विक्टर के आने के बारे में पता चलते ही वो वेंटिलेशन के अंदर चली जाती है। विक्टर को एंजल उसके रूम में नहीं देखती है, तो इसलिए एंजल वेंटिलेशन से टॉयलेट के अंदर जाती है और विक्टर को ऐसा दिखाती है कि वो कब से टॉयलेट में है। और फिर उसे देखकर विक्टर उसको अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर विक्टर एंजल को एक चाबी देता है। उस चाबी से सारे डोर खुलते थे, लेकिन विक्टर उसे यहाँ से भागने से मना करता है। विक्टर के मुताबिक उसका एक बहुत ही बड़ा डील होगा, जिसके बाद में वो एंजल को अपने साथ में लेकर कहीं पर दूर चला जाएगा, जहाँ पर वे दोनों अकेले और एक साथ रहेंगे। एंजल विक्टर पर जरा भी भरोसा नहीं करती थी, वो उससे बहुत ही नफरत करती थी। और उसके बाद में विक्टर एंजल के साथ में फोर्सफुली इंटीमेट होता है। अगले दिन विक्टर वान्या के पास में जाती है, जिसका और भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और वान्या भी दर्द में थी। वान्या एंजल से प्रॉमिस करती है कि वो उसे इन लोगों के हाथों नहीं मरने देगी, कि यहाँ से वो नहीं निकल सकती है। और एंजल वान्या को अपना लॉकेट देती है, जो उसे उसकी माँ ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था। तभी वहाँ पर विक्टर आकर एंजल से वान्या को कस्टमर के लिए रेडी करने को कहता है। एंजल ड्रग का इंजेक्शन रेडी तो करती है, लेकिन वान्या पर इंजेक्शन नहीं लगाती है और इंजेक्शन को अपने पास में छुपा लेती है। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर कोई और कस्टमर नहीं, बल्कि गोरान, उसका भाई जोसेफ और उसके बाकी के आर्मी आते हैं। विक्टर उसको पसंद तो नहीं करता था, लेकिन गोरान का अच्छे से वेलकम करता है। अब गोरान के सभी आर्मी मैन एक करके लड़कियों के रूम में जाते हैं और गोरान विक्टर के साथ में उसके ऑफिसर से बात करने जाता है। अब गोरान के बहुत से आर्मी के लोग विक्टर के प्रोस्टिट्यूट हाउस में आते हैं और गोरान को शक था कि विक्टर उसकी आर्मी की इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को शेयर करता है। विक्टर गोरान को समझाता है कि वो उसे धोखा कभी नहीं देगा। गोरान यहाँ पर विक्टर के बिजनेस का मालिक खुद बनने की सोच रहा था और इस बात को विक्टर पसंद नहीं करता है। गोरान विक्टर से भी पूछता है कि उसके यहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ में कैसे रिलेशनशिप है। विक्टर उसे बताता है कि वे लोग उसके लिए बस एक कस्टमर हैं। गोरान विक्टर को कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ देने को कहता है। तब विक्टर अपने रूम में आकर अपने साथ एक गन ले लेता है। गोरान का शक सही था कि विक्टर उनके दुश्मनों को उनकी इन्फॉर्मेशन भेजा करता है, तो इसीलिए विक्टर डरा हुआ है। अब वान्या के पास में गोरान का एक खतरनाक आर्मी मैन राठकू गया था, जिसे देखकर वान्या डर रही थी। फिर इस तरफ एंजेला अपने बेड से एक चाकू उठाती है और वेंटिलेशन के अंदर चली आती है। वान्या के रूम के वेंटिलेशन से वो देखती है कि राठकू बहुत ब्रूटली वान्या के साथ में इंटीमेट हो रहा है, जिस कारण से वान्या बहुत ही दर्द में थी। राठकू वान्या को और भी ज़्यादा मारपीट रहा था और एंजल से ये सब देखा नहीं गया था। वो वेंटिलेशन से बाहर आकर चाकू से राठकू पर वार करती है। राठकू खुद को बचाने के लिए एंजल का गला दबाता है। तब एंजल राठकू के मुंह में ही चाकू घुसा देती है और राठकू उससे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। एंजल जब वान्या को देखती है, तब तक वो दर्द की वजह से मर चुकी थी। अब राठकू उठता है और वो एंजल के ऊपर वार करने लगता है। एंजल को चोट भी आती है और दोनों की आवाज़ सुनकर गोरान की आर्मी अलर्ट हो जाती है और गोरान डोर से निकलने की कोशिश कर रहा था। तब एंजल चाकू से गोरान पर कई वार भी करती है और आर्मी के आने से पहले ही वेंटिलेशन के अंदर चली जाती है। जब तक आर्मी वहाँ पर आती है, राठकू मर चुका था और गोरान विक्टर को बुलाकर इस बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर को खुद नहीं पता था कि ये कौन कर सकता है। अचानक उनको वेंटिलेशन के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उस टाइम एंजल वेंटिलेशन से अपने रूम की तरफ जा रही थी। हर लड़कियों के साथ में गोरान का एक आर्मी मैन था, सिर्फ एंजल का ही कुछ अता पता नहीं था। तो गोरान अपने लोगों को एंजल को पकड़ने के लिए भेज देता है। अब गुस्से में गोरान विक्टर की एक और लड़की को शूट करके मार डालता है। विक्टर और गोरान जब इन मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एंजल एक वेंटिलेशन से निकलकर विक्टर के दिए हुए चाबी से डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो फिर से उसी वेंटिलेशन के अंदर चली जाती है। अब उसी टाइम गोरान एंजल को देख लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है
और अंदर से उसको एंजल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। उसे लगता है कि एंजल मर चुकी है, लेकिन एंजल मरी नहीं थी। एंजल दूसरे रूम से वेंटिलेशन से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर उसे ब्रिंको पकड़ लेता है और बेल्ट से उसका गला दबाने लगता है। तब एंजल अपने पास रखे हुए उसी ड्रग को राटको पर इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि राटको को उल्टी होने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोग उस रूम की तरफ आने लगते हैं। तब एंजल वेंटिलेशन के अंदर घुस जाती है, लेकिन गुरान उसके पैर को पकड़ लेता है और गुरान के फेस पर किक करके एंजल चली जाती है। वे लोग अंदर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए गुरान अपने दुबले पतले आदमी इवान को भेजता है। इवान एंजल पर गोलियां चला रहा था और एंजल किसी तरह खुद को बचाकर आगे बढ़ रही थी। अब आधे रास्ते में इवान का गन उसे नीचे गिर जाता है, जिसका उसे भी पता नहीं चलता है। फिर कुछ देर के बाद में इवान एंजल का पैर पकड़ लेता है और तब एंजल एक ईंट से इवान के सर पर वार करके उसको जान से मार डालती है। इवान बहुत ही ऊपर से नीचे के फ्लोर पर गिरा था, तो इसलिए वो भी जिंदा नहीं बचता है। और उसके बाद में एंजल अपना चाकू उठा लेती है। बाहर गुरान को भी इवान के मरने के बारे में पता चल चुका था और एंजल को मारना अब गुरान की जिद बन गई थी, तो इसलिए वो अपनी सभी आर्मी को गन दे देता है और जहाँ भी एंजल उसे दिखे उसे जान से मारने के ऑर्डर देता है। गुरान सभी वेंटिलेशन में स्मोक बम को डाल देता है ताकि एंजल को अंदर सांस लेने में काफ़ी समस्या हो और वहाँ से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। गुरान ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है और स्मोक की वजह से एंजल को तकलीफ हो रही थी। सभी अब एंजल के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे और इधर विक्टर गुरान के एक आर्मी को शूट करके उसे मार डालता है और गुरान के आने पर ऐसा दिखाता है कि एंजल ने उसकी आर्मी को शूट करके मार डाला है। अब गुरान विक्टर के पूरे प्रोस्टिट्यूट हाउस को आग लगाने की बात करता है ताकि एंजल अंदर ही मारी जाए। तभी वे लोग देखते हैं कि एंजल खिड़की से बाहर भाग गई है। गुरान एंजल पर शूट करता है, लेकिन एंजल को गोली नहीं लगती है। गुरान, जोसेफ और विक्टर एंजल का पीछा करने लगते हैं और एंजल जंगल की तरफ भाग चुकी थी। फिर सभी अलग अलग होकर एंजल को ढूंढ रहे थे। एंजल एक जगह पर आती है जहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि अब सड़ चुकी है और वो उनके बीच में गिर गई थी। ये डेड बॉडीज उन्हीं प्रोस्टिट्यूट लड़कियों की थी जिनकी मौत के बाद में विक्टर के आदमी उन्हें जंगल में फेंक दिया करते थे। विक्टर और जोसेफ को उसकी तरफ आता देखकर एंजल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। दोनों को पहले एंजल नहीं दिखती है, लेकिन जब एंजल वहाँ से भाग रही थी तो विक्टर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। विक्टर एंजल के पास में आता है और एंजल उसे अपना चाकू दिखाकर उसे अपने पास आने से रोकती है। विक्टर एंजल को समझाता है कि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे हार्म नहीं करे और वो उसकी मदद करना चाहता है। उसकी बातों में आकर एंजल उसे चाकू दे देती है, लेकिन उसके बाद ही विक्टर का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। एंजल की वजह से विक्टर का पूरा बिजनेस खराब हो चुका था, तो इसलिए वो एंजल को मारने पीटने लगता है। अब तक वहाँ पर गुरान और जोसेफ आ चुके थे। गुरान उसे मार नहीं दे तो इसलिए विक्टर एंजल को होस्टेज बनाकर उन दोनों को गन पॉइंट पर रख लेता है। अब विक्टर गुरान को पैसे और एंजल देने की बात करता है, लेकिन उसके बदले में विक्टर गुरान से कहता है कि वो उसे कुछ पैसे और एंजल को सौंप देगा, लेकिन उसके बदले में वो उसका बिजनेस खराब नहीं करें। वे लोग डील कर ही रहे थे कि तभी एंजल विक्टर के पैर पर चाकू घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। अब गलती से विक्टर जोसेफ पर गोली चला देता है और अपने भाई को मरता हुआ देखकर गुरान विक्टर को गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। फिर कुछ ही टाइम में जोसेफ गुरान के हाथ में अपना दम तोड़ देता है और गुस्से में गुरान विक्टर को कई गोलियां मारकर उसकी भी जान ले लेता है। अब हम देखते हैं कि गुरान अकेले ही एंजल को पकड़ने के लिए निकल जाता है और भागते भागते एंजल टीना नाम की एक लड़की के घर तक आ जाती है। वहाँ पर टीना एंजल की केयर करने लगती है और कुछ देर के बाद में एंजल को हो जाता है। तब वो राटको की फोटो देखती है जो कि टीना के साथ में थी, मतलब कि राटको टीना का हस्बैंड था। और तब तक गुरान ने टीना को कॉल करके बता दिया था कि एंजल उसके हस्बैंड को मारकर भागी है। अब गुस्से में टीना चाकू लेकर एंजल के पास में जाती है और उस पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए एंजल टीना के साथ में लड़ाई भी करती है और एंजल टीना के चेहरे का मांस काट कर उसे उखाड़ देती है और एक भारी चीज से टीना का सर फोड़कर उसकी जान ले लेती है। अब कुछ देर बाद गुरान वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक एंजल वहाँ पर नहीं थी, बस टीना की डेड बॉडी घर पर पड़ी हुई थी। एंजल रोड पर भाग रही थी और गुरान कार लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। तब एंजल एक फैक्ट्री में घुस जाती है और वहाँ के वर्कर से वो हेल्प मांगती है। गुरान भी तब तक वहाँ पर आ चुका था। गुरान को देखकर कोई भी एंजल की हेल्प नहीं करता है, क्योंकि कोई भी गुरान के हाथों मरना नहीं चाहता था। गुरान अब चाकू लेकर एंजल के पीछे पड़ चुका था और एंजल भागकर एक पाइप के अंदर आगे बढ़ने लगती है। वो पाइप बाहर जाकर खुलता था और गुरान भी उस पाइप के अंदर जाकर एंजल का पीछा करने लगता है, लेकिन वो पाइप आगे बढ़ते बढ़ते बहुत छोटा हो गया था। उस पाइप से एंजल आसानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन गुरान बीच में ही फंस जाता है। एंजल फिर पाइप के अंदर घुसकर गुरान के मुंह में एक कपड़ा डाल देती है ताकि वो मदद के लिए न चिल्ला पाए। और कुछ ही समय में गैस के कारण गुरान उसी पाइप के अंदर मरने वाला था। एंजल गुरान के सामने स्माइल करती है और उस पाइप से बाहर निकल जाती है।
और एंजल ने सभी लड़कियों, उसकी बहन और उसकी माँ का बदला ले लिया था। वहाँ से भागकर एंजल मारिशा नाम की एक ओल्ड लेडी को देखकर उसके पास जाती है और ये ओल्ड लेडी डॉक्टर आंड्रे की वाइफ थी जो कि एंजल को अपनी बेटी की तरह रखने वाली थी। और फाइनली एंजल की लाइफ अब सेफ थी और उसे भी अब एक फैमिली मिल चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि देश में वॉर चल रही थी और आर्मी ने देश को अपने हाथों में ले लिया था। आर्मी अपनी पावर का गलत यूज़ कर रही थी और वे लोग वहाँ के सिटीजन को जान से मार रहे थे। यंग लड़कियों को उन लोगों ने विक्टर जैसे लोगों के पास में भेज दिया था और ऐसे एक हमले में गोरान ने एंजल की माँ को मार दिया था। एंजल और उसकी सिस्टर को एक दूसरे से अलग अलग प्रोस्टिट्यूट हाउस में भेज दिया था। एंजल जो कि एक गूंगी और बेरी लड़की थी, उसके फेस पर भी एक बर्थमार्क था जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आता था। तो इसलिए विक्टर ने एंजल को अपने काम के लिए और खुद का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने पास में रख लिया। वहाँ पर लड़कियों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिनको जानवरों की तरह मार पीट कर उनका रेप किया जाता था। और उसी दौरान एंजल की एक दोस्त वानिया की भी मौत हो जाती है। एंजल ने सभी के साथ में बदला लेना शुरू किया और फाइनली एंजल ने अपना बदला भी ले लिया। गोरान हो या विक्टर, कोई भी मूवी के एंड तक नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि किसी न किसी स्कैंडल या किसी प्रोस्टिट्यूट हाउस में फंसी होगी जो कि अपनी मर्जी के बिना है। उस पर भी बहुत सारे जुल्म किए जाते होंगे और उसके साथ में क्या क्या होता होगा ये हमें नहीं पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।